जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर आज विदासर न्यायालय में कर्मचारियों ने हड़ताल रखी। कर्मचारियों ने कहा मृतक की मामले की पूर्णतया जांच की जाए और मृतक के परिजनों को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए दिए जाए। देखिए किस प्रकार कर्मचारियों ने हड़ताल की। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आपकी? जी हमारे साथी कर्मचारी श्री सुभाष मेहरा जो कि जयपुर NDPS न्यायिक अधिकारी श्री KS सालाना की निजी आवास पर उनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई थी, तो उस वजह से दिनांक 29 नवंबर को संपूर्ण प्रदेश के प्रांताध्यक्षों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 30 नवंबर से आज से पूरे प्रदेश स्तर में सामूहिक अवकाश लेकर इस निर्मम हत्या के बारे में जांच पड़ताल हो, इसकी FIR दर्ज हो और जो भी इसके अपराधी हैं दोषी हैं उनको सजा दिलाई जाए, ताकि साथ ही पीड़ित परिवार को इसका मुआवजा दिलाया जाए। इस वजह से आज 30 नवंबर से सामूहिक अवकाश के साथ पूरे प्रदेश स्तर में हड़ताल है, जिसमें सारे समस्त कर्मचारी उन्होंने अपना सहयोग दिया। क्या मांग रहेगी आपकी अब? इसमें सबसे पहले मांग तो है कि इसमें दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज हो और जो भी इसके जो तथ्य छिपाए जा रहे हैं, जैसे कि उनके सिम कार्ड्स को छुपा दिया गया है और उनके जो परिजन हैं उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही, और सबसे कि उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दिलाया जाए और एक कोई भी व्यक्ति परिवार से उसको नौकरी दिलाई जाए। इसके लिए प्रांताध्यक्ष ने 8 सूत्री मांगों का एक प्रारूप तैयार किया है, इसकी मांग रखी गई है। जब तक ये मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये सामूहिक अवकाश का हड़ताल निरंतर रहेगा। हाउस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सबसे